जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जून महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे और जून महीने के राशिफल में मीन राशि वालों के प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, धन, स्वास्थ्य, कैरियर, परिवार, नौकरी, शिक्षा, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मीन राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर मीन राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। चलिए मित्रों, पहले जून महीने के ग्रह गोचर स्थिति जान लेते हैं कि जून के महीने में ग्रहों के गोचर की स्थिति क्या रहेगी। तो सूर्य 15 जून से मिथुन राशि में रहेंगे और इससे पहले वो वृषभ राशि में अपना गोचर करेंगे और मंगल 27 जून से मेष राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और 27 जून तक उनका गोचर मीन राशि में रहेगा। और बुध पूरे महीने यानी पूरे जून के महीने में वृषभ राशि में ही अपना गोचर करेंगे और गुरु का गोचर जून के पूरे महीने मीन राशि में ही रहेगा। और शुक्र 18 जून से वृषभ राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे, इससे पहले उनका गोचर मेष राशि में रहेगा। और शनि देव का जो गोचर है वो पूरे महीने कुंभ राशि में ही रहेंगे, यानी जून के महीने में शनि देव का गोचर कुंभ राशि में ही रहने वाला है। राहु का गोचर जून के महीने में मेष राशि में रहेगा और केतु का गोचर तुला राशि में पूरे महीने रहेगा। और चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे और मिले जुले परिणाम आपको देते रहेंगे। तो कुछ इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति रहेगी जून के महीने में। चलिए मित्रों, राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल में मीन राशि वालों के सबसे पहले कैरियर यानी कार्य क्षेत्र की बात करेंगे। कार्य क्षेत्र की बात करें तो दशम भाव के स्वामी गुरु हैं और प्रथम भाव यानी आपके राशि के स्वामी भी गुरु हैं। आपके राशि स्वामी और दशम भाव के स्वामी का गोचर आपके राशि में यानी मीन राशि में ही रहेगा, पूरे महीने ही पर रहेगा। अच्छा गोचर है, मीन राशि वालों के लिए करियर के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पर गुरु का गोचर है जो कि दशम भाव के स्वामी हैं और उनके साथ में मंगल का गोचर भी रहेगा और 27 जून तक रहेगा, यानी लगभग पूरा महीना मंगल का गोचर भी यहीं पर रहेगा। सिर्फ 27 जून से वो 30 जून तक के लिए मेष राशि में गोचर रहेगा जून के महीने में उनका। और तो इसलिए अगर देखा जाए तो मंगल जो है आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य भाव और धन भाव के स्वामी का गोचर आपके प्रथम भाव में रहेगा और आपके राशि स्वामी और आपके दशम भाव के स्वामी के साथ रहेगा। तो कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपका आत्मविश्वास बना रहेगा और व्यापार कारोबार को लेकर जून के महीने में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। नौकरी के मामले में आपको और भी मजबूती मिलेगी। आपके ऑफिस में यानी जहां आप नौकरी करते हैं आपके काम की तारीफ होगी, सहयोगियों का साथ भी इस समय पर आपको मिलेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और आपके दशम भाव के स्वामी का गोचर आपके राशि में होने से और आपके वो राशि स्वामी भी हैं तो आपके जो बॉस हैं या जो आपसे बड़े अधिकारी हैं उनसे आपके संपर्क बढ़ेंगे और इसकी वजह से आपको करियर में उन्नति देखने को मिल सकती है। जो लोग नौकरी बदलने की तलाश में हैं उनको भी नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है, लेकिन सोच समझ कर नौकरी को बदलें। और जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनको जॉब का ऑफर मिल सकता है। जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको भी इस समय तरक्की देखने को मिल सकती है, उनके लिए भी जून का महीना अच्छा रहेगा और पदोन्नति और प्रमोशन का चांस उनका बन सकता है और नौकरी की तलाश कर रहे जातकों की इच्छा भी पूरी हो सकती है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं उनको अपने मनपसंद की नौकरी यानी मनपसंद का कोई कार्य मिल सकता है। जून का महीना व्यापार कारोबार और नौकरी के लिए दोनों के लिए अच्छा समय रहेगा जून के महीने का। तो इस तरह के कुछ परिणाम मीन राशि वालों को जून के महीने में मिलेंगे। चलिए आपके धन की बात कर लेते हैं। धन की बात करें तो धन भाव में मेष राशि है और स्वामी मंगल हैं और मेष राशि में राहु का गोचर भी है। तो धन भाव के स्वामी मंगल का जो गोचर है
वो पूरे महीने आपकी राशि में ही रहने वाला है और आपके राशि स्वामी के साथ रहेगा, और जो कि भाग्य भाव के स्वामी भी हैं, तो इस समय धन के मामले में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। यानी आपका कहीं रुका हुआ कोई पैसा है, कोई पेमेंट है, या आपने किसी को उधार दिया हुआ है जो नहीं मिल रहा था, तो प्रयास करें वो इस समय पर आपका मिल सकता है। लेकिन खर्चे बढ़े रह सकते हैं। धन भाव के स्वामी का गोचर अपने मेष राशि से 12वें भाव में रहेगा, और भाग्य भाव के स्वामी भी हैं तो आपके नवम भाव के स्वामी होने के कारण आपका धर्म कर्म में भी पैसा खर्च हो सकता है। आप कोई दान वगैरह दे सकते हैं और गुरु की नवम भाव पर दृष्टि भी रहेगी, इसलिए आप धार्मिक कार्य में रुचि ले सकते हैं। पैतृक संपत्ति से आपको धन लाभ मिल सकता है। जमीन या मकान के सौदे अगर आप करते हैं, यानी आप रियल इस्टेट से जुड़ा हुआ कोई कारोबार करते हैं, तो उसमें भी लाभ इस समय पर आपको प्राप्त हो सकता है। तो धन के मामले में थोड़ा सा मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि आय भाव के स्वामी जो हैं वो शनि हैं, और आय भाव में मकर राशि है, यानी एकादश भाव में मकर राशि है, और वो उनका गोचर 12वें भाव में है। हालांकि वहां पर अपनी स्वराशि में है, लेकिन फिर भी 12वां भाव व्यय का भाव है, खर्चों का भाव है, तो खर्चे जरूर बढ़े रहेंगे। इसलिए बजट बनाकर चलना बहुत ही इस समय पर जरूरी होगा। मीन राशि वालों के स्वास्थ्य की बात करें तो इस महीने थोड़ा भाग दौड़ से आप बचें, लंबी यात्राओं में सावधानी जरूर रखें, और अगर आप मानसिक तनाव में आते हैं तो फिर थोड़ा सा आप ध्यान वगैरह करें, तनाव अपने ऊपर ना हावी होने दें, इस बात का ध्यान रखें, वरना इन सब का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा और आप बीमार पड़ सकते हैं। खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। अगर पेट से संबंधित कोई परेशानी पहले से है तो उसका थोड़ा सा आप अवश्य ध्यान रखें, योग व्यायाम करें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएँ और बाहर का खाना खाने से बचें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए आपके प्रेम संबंधों की बात कर लेते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में कर्क राशि है, और कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे और मिले जुले परिणाम आपको देते रहेंगे। मीन राशि वालों के लिए प्रेम संबंधी मामलों में ये समय अच्छा रहेगा। पंचम भाव में बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी, तो इसलिए आपके प्रेम में बढ़ोतरी दिखाई देगी, क्योंकि वो आपके राशि स्वामी और दशम भाव के स्वामी हैं। उनकी पांचवी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, तो प्रेमी प्रेमिका का एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। आप दोनों इस समय एक साथ समय बिताएंगे, दोनों एक साथ कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं, और ऐसे लोगों से थोड़ा सा आप लोग सतर्क रहें जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं। किसी तीसरे व्यक्ति की सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें, और अपने प्रेमी प्रेमिका को लेकर अपना मन साफ रखें। और जो लोग सिंगल हैं उनको इस महीने साथी मिल सकता है, किसी नए शख्स की एंट्री आपके जीवन में हो सकती है। चलिए शादीशुदा जीवन की बात करते हैं। शादीशुदा जीवन की बात करें तो सप्तम भाव पर मंगल और गुरु की दृष्टि रहेगी, तो जो शादीशुदा लोग हैं, विवाहित जातक हैं, जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। बस थोड़ा अहम से बचना है, टकराव से बचना है, क्योंकि मंगल की दृष्टि रहेगी तो थोड़ा अहम देखा जा सकता है आप में, जिसके कारण आपके जीवन साथी के साथ व्यर्थ की बातों को लेकर तकरार बढ़ने की संभावना बन सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप बातों को ज़्यादा तूल ना दें, छोटी छोटी बातों पर बहस ना करें, मीठी वाणी से अपने जीवन साथी का दिल जीतें, और महीने के आखिर में स्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी। 27 जून को मंगल अपने स्वराशि मेष राशि में चले जाएंगे दूसरे भाव में, तो इस समय पर मधुरता देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी आप अगर पूरे महीने दूसरे की बातों को लेकर बहस नहीं करते हैं, टकराव नहीं करते हैं, तो शादीशुदा जीवन जून के महीने में मीन राशि वालों का अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके राशि स्वामी और दशम भाव के स्वामी गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी, इसलिए शादीशुदा जीवन आपका फिर अच्छा रहेगा। चलिए शिक्षा की बात कर लेते हैं। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा है, कर्क राशि है, और गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि है, तो शिक्षा के लिहाज से चाहे आप सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि नवम भाव पर भी है, तो शिक्षा के मामले में बेहतर परिणाम जून के महीने में आपको देखने को मिलेंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात कहीं से कहीं तक नहीं दिख रही है। चलिए पारिवारिक जीवन की बात कर लेते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव में मेष राशि है, स्वामी मंगल हैं, जो कि आपकी राशि में ही रहेंगे, और वहाँ पर राहु का गोचर भी है, तो राहु के साथ वहाँ पर शुक्र भी 18 जून तक रहेंगे। 18 जून से वो वृषभ राशि में चले जाएंगे, इससे पहले वो मेष राशि में ही रहेंगे, जो कि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं।
परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति गलत फहमियाँ देखी जा सकती हैं, इसलिए आप अपने परिवार के सदस्यों के बारे में किसी के बहकावे में ना आए और किसी तीसरे व्यक्ति की बातों को सुनकर आप अपने परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव जैसी स्थिति ना बनने दें। परिवार के सदस्यों से अगर कोई कहा सुनी और कोई छोटी मोटी बातें होती हैं तो उनसे स्पष्ट रूप से बात करके हल करें। किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप बिल्कुल ना होने दें, इस बात का ध्यान रखें। और अगर संपत्ति से संबंधित किसी भी बात को लेकर कोई चर्चा शुरू होती है और वो बढ़ जाती है तो आप अपने बड़े बुजुर्गों की बातों का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की बातों को समझें और उनको ही बीच में रखें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी भाई बहनों के साथ संबंध मधुर रहेंगे, आप खुलकर बातें करेंगे, आपको लेकर दूसरों के मन की गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी अगर आप खुलकर बातें करते हैं और घर के परिवार के सदस्य आप पर भरोसा करेंगे। तो पारिवारिक जीवन में आप अपने बुद्धि का प्रयोग करके परिवार को एकजुट रखें, सभी को साथ लेकर चलने में आपको सफलता प्राप्त होगी और बड़े बुजुर्गों का खास ध्यान रखें और कोई भी घर के फैसलों में उनको जरूर शामिल करें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आपकी मीन राशि है, स्वामी गुरु हैं, तो गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, नहीं कर सकते हैं तो सुने। गुरुवार के दिन जल में हल्दी डालकर स्नान करें, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें और कभी कभी दूध भी अर्पित कर सकते हैं तो इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपसे मीन राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये मीन राशि वालों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।